एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज संगीता और आज का वीडियो होने वाला है 5 मिनट ग्लैम लुक के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। आप देख सकते हो ये 5 मिनट की आज थी, उससे भी कम टाइम में ये मेकअप हो गया। इस मेकअप को आप डे टू डे बेसिस पे अपने कॉलेज पे, अपने ऑनलाइन सभी ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग्स वगैरह चल रहे हैं ऑफिस के, तो उस पे आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा प्रेजेंटेबल लुक हो के आप ऊपर से आप थोड़ा बहुत ग्लैमरस रहो, नीचे पे आप पजामा पहनो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो इसी वजह से मैंने इस लुक को क्रिएट किया है ताकि आपको मौका मिले थोड़ा बहुत कैमरे के सामने या फिर लैपटॉप के सामने, फोन के सामने, आप जिससे भी अपना मीटिंग वगैरह कर रहे हो, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लुक हो देखने में। चलिए फिर डिले ना करके लेट्स जंप इन दिस वीडियो। ऑलराइट, सो आई जस्ट वॉश माय फेस और मैं अपना मॉइस्चराइजर जो है सेटाफिल का मॉइस्चराइजर, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उस मॉइस्चराइजर को मैं यूज करूंगी। आपका जो भी मॉइस्चराइजर है आप उसको यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं मूव करूंगी अपने फाउंडेशन पे। अगर आपके पास फाउंडेशन ना हो, बीबी क्रीम भी हो तो उससे भी काम चल जाएगा, सीसी क्रीम या बीबी क्रीम जो भी आप यूज करते हो। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यहाँ पे लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन, आई मीन द शेड वॉर्म बेज। सो माय बेस इज डन। अब मैं यूज करूंगी मेरे पाउडर जो कि है व्हाइट टोन का ट्रांसलूसेंट पाउडर। आपके पास जो भी हो, मैंने जो बोला कि आपके पास जो भी हो आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। So now let's move on to the eyebrow part. For the eyebrow I'm using यहाँ पे Etude House का dark eyebrow pencil। ज्यादातर मैं इसी को use करती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छी तरीके से आपका जो eyebrow है वो बहुत अच्छी तरीके से draw हो पाता है because of this applicator। मतलब यहाँ पे आप अगर देखोगे ये बहुत ही ज्यादा मतलब sharp है, आपको easily एक draw करने में मिल जाता है shape। तो आई मेकअप को मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आई शेडो का यूज नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ मस्कारा का यूज करूंगी। यहाँ पे आप थोड़ा अगर आपको पसंद है तो आप काजल का यूज कर सकते हो, लेकिन अपने अपर लोअर लैशेस पे, वो दिखाती हूँ मैं कैसे। सो फॉर द मस्कारा आई एम यूजिंग मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। तो आपके पास जो भी काजल आप उसका यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे एलिजिन का काजल यूज करती हूँ। मैं इसको क्या करूंगी, अपने अपर लोअर लैशेस के अंदर ऐसे मैं इसको ड्रॉ करूंगी थोड़ा। तो क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़े आपके पलके जो है वो भारी लगते हैं, देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्लश। फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग यहाँ पे मेबेलिन का बेबी लिप्स, जो ये ऑलमोस्ट खत्म होने को है। थोड़ा सा मैं इसको लगाऊंगी अपने चिक्स पे और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक नेचुरल टिंट आप बोल सकते हो चिक्स के लिए। आई डोंट नो व्हाई ब्लश जब मैं अप्लाई करती हूँ तो मेरा मुंह ऑटोमेटिकली ऐसे टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ नॉर्मल रखने के लिए मेरे चिक्स मतलब फेस को, लेकिन वो हो नहीं पाता है देखने में। तो थोड़ा अमाउंट में अभी इसको यूज करना और अपने फिंगर से इसको ब्लेंड करते रहना, तो वो नेचुरल ऑटोमेटिक स्किन के साथ जो है वो एकदम कम्बाइंड हो जाता है। ओके, फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग यहाँ पे मेबेलिन का लिक्विड मैट लिपस्टिक और मैं अपने ड्रॉ के लिए, लिप लाइनर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर एंड आई एम द शेड पर्पल 11। सो दिस इज द 5 मिनट्स ग्लैम लुक एंड आप इसको यूज कर सकते हो अपने ऑनलाइन क्लासेस पे, ऑनलाइन मीटिंग पे, अपने कॉलेज में, अपने नॉट स्कूल बाय द वे, तो अपने कॉलेज पे आप इसको यूज कर सकते हो और अपने ऑनलाइन क्लासेस पे, मीटिंग पे आप इसको यूज कर सकते हो। 5 मिनट्स आई थिंक 5 से भी बहुत कम टाइम में ये हो गया मेकअप लुक। सो इफ यू लाइक दिस मेकअप लुक देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस और मैं
पे हफ्ते में 3 दिन मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब मैं यूट्यूब पे आऊँ तो आपको नोटिफाइड हो जाए। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।